सर, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आज जिक्र किया इमरजेंसी करके 75 साल पूरे हो उसमें क्या। अच्छी बात है राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया, लेकिन जो अघोषित इमरजेंसी आज चल रही है उस पर भी जिक्र करना चाहिए ना। कहां जो है वंचित वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला है, और जो 80 करोड़ लोग हैं जिनको सस्ता राशन की बात चल रही है वो कौन लोग हैं? रोजगार पे बात करनी बहुत जरूरी है। तो अभी राष्ट्रपति जी ने पढ़ा, वो जानते हैं सब सरकार का जो है पेपर है, लेकिन बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ नगीना से, वहां रोजगार नहीं है, वहां बाढ़ की समस्या है, वहां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं है, और कास्ट एट्रोसिटी कितनी बढ़ रही है। कल ही हरिद्वार में एक लड़की का सामूहिक रेप हुआ जो नाबालिग बच्ची थी, आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे। तो राष्ट्रपति जी को हम तो उम्मीद करके बैठे, राष्ट्रपति जी बोलेंगे इस पे कि जो देश में जो आज हालात हो रहे हैं, एनसीआरबी का डाटा कहता है महिलाओं पर इतना उत्पीड़न हो रहा है, इस पर भी बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। तो अभी कोशिश करें कल अपनी बात कहेंगे। नीट का जिक्र भी किया उन्होंने कि नीट के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मगर लीक क्यों हो रहा है? आप ये सोचने की सवाल है ना, आप पे तो सब कुछ है, आप पे पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, आप पे पुलिस है, आप इंटेलिजेंस है, आप अर्धसैनिक बल, फिर लीक कैसे हो रहा है? चोरी कहाँ हो रही है? चोरी को पकड़ना पड़ेगा ना। तो कब, कल होने वाली चीज भी कल होगा, जैसे हत्या होगी तो कार्रवाई होगी, ये क्या बात है? हत्या होनी बंद होनी चाहिए ना, सवाल ये। तो अभी बहुत कुछ है जिसपे हमें उम्मीद थी कि राष्ट्रपति जी महामहिम बोलेंगी, लेकिन वो नहीं बोली, लेकिन हम लोग बोलेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से संगोल हटा करके वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी रखने की बात हो रही है, अच्छा है ये बोलने से नहीं चलेगा कि देश कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, चलना चाहिए, चलेगा तभी देश में बदलाव होगा, और अखंड भारत भी तभी बनेगा, मजबूत भारत भी, अशोक सम्राट अशोक के सपनों का भारत भी तभी बनेगा जब संविधान के आधार पर देश चलेगा और सबको मौका मिलेगा। कल से हमने शुरुआत कर दी है, हमने कल भी माननीय अध्यक्ष जी से अपील की कि हमें बोलने में मौका दे, बड़ी आवाज उठाने के बाद मौका मिला, तो नई पार्टियों को मौका मिलना चाहिए, और जिन, क्योंकि हम भी बहुत लोगों के चुनके द्वारा भेजे गए हुए हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए, जनता ने भेजा अपनी बात रखने के लिए, तो उनकी बात उठाने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर क्या चलेगा। तो हम नगीना का धन्यवाद देते हैं, और नगीना के जरिए देश के जो कमजोरों की, बहुजनों की, हक वंचित समाज के लोगों की आवाज है उसको उठाते रहेंगे, इसलिए हम पार्लियामेंट